सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। आज हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसे वाकयात के हवाले से जो इस वक्त ख़बरों की शाह सुर्खियों की जीनत बने हुए हैं जिनमें सबसे अहम वाकया साउथ एशिया के कॉन्टेक्ट में पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा का सऊदी अरब का दौरा है इसके साथ साथ बातचीत हम करेंगे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के हवाले से और वहाँ कुछ र्यूमर्स भी हर वक्त गर्दिश में रहती हैं एक अहम र्यूमर है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद क्रैशी ने पाकिस्तान के वजीर अजम इमरान ख़ान के प्रिंसिपल सेक्रटरी आजम खान को एक थप्पड़ भी रसीद किया इस हवाले से सोशल मीडिया क्या कहता है इस पर भी बातचीत कुछ करेंगे और इसके अलावा कैनेडा में एक अहम पेशर रफ्त हुई वी चैरिटी के कॉन्टेक्स में कैनेडा के फाइनेंस मिनिस्टर बिल मोर्नो ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी जगह पर अब कैनेडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो पहले फॉर मिनिस्टर भी रह चुकी हैं जस्टिन टूडो की पहली गवर्नमेंट में वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर आगे काम करेंगी अमेरिका के इलेक्शन, दुनिया भर की ख़बरों का इस वक्त सबसे अहम हिस्सा हैं और अमेरिका के इलेक्शन में क्या उलट पुलट हो रही है उस हवाले से भी मैं बातचीत करूंगा। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की ज़बूँ हाली के हवाले से आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करता हुआ वायरल हुआ हुआ देखा उस पर भी मैं कुछ तबसरा करूँगा और पेंडेमिक की जो सूरत हाल है जिसने दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है इस पर भी बातचीत होगी सबसे पहले हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब जनरल कमर जवेद बाजवा के दौरा सऊदी अरब के, के हवाले से जो मीडिया में रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं उनके मुताबिक उनका ये दौरा शाह महमूद क्रैशी के उस सख्त बयान के हवाले से है जो उन्होंने सऊदी अरब को ख़ाब करते हुए पिछले दिनों कहा था कि अगर सऊदी अरब ओ आई सी का अजलास कश्मीर के मसला पर नहीं बुलाता तो हम उस इजलास को बुलाएंगे पहली बार है कि पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने सऊदी अरब के लिए इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की हो और इसको सोशल मीडिया पर कुछ लोग सरा रहे हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के लोग और बहुत सारे लोग इसकी मसम्मत कर रहे हैं लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या शाह महमूद कुरैशी की ये सॉट ऑफ धमकी सऊदी अरब के लिए कोई मानी रखती है और क्या इस धमकी से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा ये वो मौजूद हैं जो इस वक्त मीडिया के व्यूज़ में जेर बहस हैं मेरा ज़ाती तौर पर एनालिसिस यूँ है कि शाह महमूद क्रैशी शायद बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे सऊदी अरब के हवाले से क्योंकि सऊदी अरब और अरब अमारात किसी तौर पर भी पाकिस्तान के कश्मीर एजेंडा को नहीं टो कर रहे थे और शाह महमूद क्रैशी को ये भी शायद एहसास था कि पाकिस्तान को कोई ख़ास मदद भी अब नहीं मिल रही तो उन्होंने ये सख्त बयान दिया लेकिन इस बयान के फ़ौर बाद दो अहम वाक़ हुए एक वाक़ तो सऊदी अरब ने जो कर्ज़ पाकिस्तान को हाल ही में दिया था उसकी वापस का मुतालबा किया और पाकिस्तान को एक अरब डॉलर वापस भी करना पड़े जो इतलात के मुताबिक उन्होंने चीन से उधार मांगे थे दूसरा अहम मसला क्या पाकिस्तान के फॉर मिनिस्टर के इस सख्त बयान के बाद पाकिस्तान की इस्टबलिशमेंट इस बयान इस की पुष्पनाही करेगी ये शायद अभी मुमकिन नहीं इसीलिए पाकिस्तान के चीफ द आर्मी सऊदी अरब पहुँचे हैं और सऊदी अरब में अब तक की इतलात के मुताबिक उनकी मुलाकात चीफ आफ द सऊदी अरब की अफवाज के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई और इस हवाले से पाकिस्तान का कुछ मीडिया ये भी कह रहा है कि ये मुलाकात प्री प्लान थी और इसका कोई तल्लक शाह महमूद कुरैशी के बयान से नहीं था अगर ये मुलाकात प्री प्लान भी थी तो भी और अगर ये मुलाकात हंगामी तौर पर की गई है तो ये जो दौरा है अगर ये दौरा प्री प्लान था या ये दौरा हंगामी तौर पर, पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब चाहे प्री प्लैंड हो चाहे एमरजेंसी बुनियादों पर हो ये बात तय है कि वो सऊदी हुकाम के साथ इस मसला पर भी बात करेंगे और इसके अलावा जो ख़ते में तब्दीलियाँ रुनम हो रही हैं ईरान का चीन के साथ शराकत दारी में हिस्सा लेना और पाकिस्तान का चीन और ईरान के साथ ऑन आन बोर्ड आना जो बिलाशुबा सऊदी अरब को किसी सूरत पसंद नहीं आएगा इस सिलसिले में जो शकुक व शुभ सऊदी अरब और पाकिस्तान के मबैन पाए जाएंगे उस पर आर्मी चीफ़ अपनी ज़रूर वजाहत करेंगे इस दौरा के हवाले से ये बात भी तय है कि इसकी तफसीलात मकम्मल तौर पर शायद दुनिया के सामने ना आ सकें कि चीफ़ द आर्मी स्टाफ और सऊदी हुकाम के मबैन क्या बातचीत हुई क्योंकि ये सियासी रहनमाओं की मुलाकात नहीं जिसमें फ़ोटो अप हो या कोई जॉइंट स्टेटमेंट सामने आए ये मुलाकात बिलाशुबा ख़ुफ़िया नौीय की होगी अगर अगरचे दिखावे के लिए कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ पिक्चर ज़रूर सामने आएंगी लेकिन सऊदी हुकाम ख़ासतौर पर सऊदी फ़ौजी हुकाम और पाकिस्तान के फौजी सरबरा की क्या बातचीत होती है वो शायद सामने ना आए लेकिन जिस तरह की बैकग्राउंड है जिस तरह के हालात हैं उस तनाजर में इस बात को समझना मुश्किल नहीं कि पाकिस्तान के चीफ द आर्मी स्टाफ सऊदी हुकाम से क्या बातचीत करेंगे और उनकी यही कोशिश होगी कि सऊदी अरब से जिस जिस तरह की मदद उन्हें मिल रही है वो भी मिलती रहे इसके अलावा पाकिस्तान के फौजी जिनकी नौकरियां सऊदी अरब में लगी हुई हैं बल्कि कुछ मुबसरन यूँ कहते हैं कि जिनकी डबल नौकरियां सऊदी अरब में लगी हुई हैं चीफ दर्मी स्टाफ इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो किसी सूरत पाकिस्तान ना आए बल्कि वो वहाँ से अपनी नौकरियां बरकरार रखें और उनका ज़र मुबादला पाकिस्तान आता रहे इसके अलावा कोविड नाइन्टीन के ज़माने के गुजर जाने के बाद पाकिस्तानी वर्कर्स लेबर फोर्स जो सऊदी अरब में काम करती है वो उसी तरह काम करती रहे क्योंकि पाकिस्तान बिलाशुबा अपने इकनॉमिक स्ट्रक्चर में ये हरगिज़ एफ़ोर्ड नहीं करता कि सऊदी अरब के साथ इतना बड़ा क्लैश मूल्य जिसकी बात पाकिस्तान के फॉर मिनिस्टर करते हैं पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल को अगर हम पेश नज़र रखें तो ये बात तय है कि पाकिस्तान की एथलिक माइनॉरिटीज रिलीजस माइनॉरिटीज सभी के सभी प्रोसिक्यूशन का शिकार रहती हैं और बहुत शदीद मसाइल से उनको गुज़रना पड़ता है इसी सिलसिला में हाल ही में बलूचस्तान के एक सहााफ़ी हयात बलोच को जिस तरह उनके ख़ानदान के सामने गोलियाँ मारकर हलाक किया गया और जिस तरह सिंध के एक एक्टिविस्ट सारंग जोयो को अगवा किया गया और बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया और उनके वाल ताज़ जोयो ने तमगा कारकर्दगी भी लेने से इनकार कर दिया ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन्स अपनी इंतहाओं को छू रही हैं बी बी सी उर्दू डॉट कॉम पर वसतल्ला खान साहब का एक कॉलम शाया हुआ और उस कॉलम में उन्होंने तंज़ मज़ा के पराया में खुल कर बात की कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन्स किस तरह अपनी इंतहाओं को छू रही हैं बी बी सी उर्दू डॉट कॉम पर वसतल्ला खान का ये कॉलम शाया हुआ और इस कॉलम को मैं मनोअन आपके सामने पढ़ता हूँ कोट ये वाक़ अपनी जगह दुरुस्त है कि योम आज़ादी से एक रोज़ पहले कराची यूनिवर्सिटी का जवा साल तलब इम हयात बलोच बत में अपने घर के बगीचे से दहशत गर्दी के शुभे में सड़क पर घसीट लिया गया और मुसल्ह एफ सी एहलकारों ने उसके हाथ पाँव बांधकर कर की अल्तजाई आँखों के सामने हयात बलोच के जिसम में लगभग आठ गोलियाँ पम्प कर दी मैं भी हयात बलोच के इस तरह से कत्ल किए जाने की मजम्मत करना चाहता हूँ पर मुश्किल ये है कि तुरबत पाकिस्तान में है और मैं पाकिस्तानी मीडिया का एक अदना सा पुरजा लहजा मैं कोई ऐसी गैरजिमदारा तबसरा नहीं कर सकता जिससे पाकिस्तान के किसी इदारे की शहरत पर खराश तक आए ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि हयात बलोच का कत्ल अफसोसनाक ज़रूर है मगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में इस तरह की भूल चूक होती रहती है मैं उम्मीद करता हूँ कि मुतलका कानून नाफज़ करने वाले इदारे पेशा वाराना ज़िम्मेदारियों को मज़द एत से निभाएं ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाकयात से बचा जा सके मैं तो अगले चंद रोज़ में इस ख़बर का भी मंतज़र हूँ कि हयात बलोच के अहल ख़ाना नेजीम तर कौमी मफाद में अल्लाह तला की खुशनूदी के लिए बग़ैर किसी दबाव के कतल को माफ़ करके इंसानियत नवाजी और हब्बुलवतनी की अला मसाल क़ाय कर दी काश हयात बलोच को घसीट कर और बांध कर गोलियाँ मारने का यही वाक़ श्रीनगर की किसी सड़क पर या मगरबी यरूशलम की किसी चेक पोस्ट पर पेश आता तो मैं इस बहिमानगी का मरसिया लिख लिख कर कागज़ से खून टपका देता इंसानी हकूक़ की पामाली का मातम करते करते मेरा कलम गश खा कर गिर पड़ता मैं चीख चीख कर गला बिठा लेता कि कहाँ है आलम इस्लाम इंसानी हकूक़ के बरदार कहाँ सो रहे हैं मगर गलती हयात बलोच की भी है वो ग़लत मुकाम पर दुरुस्त लोगों के हाथों मारा गया लहजा मुझे छोड़ कोई भी मुहब वतन कलमकार चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता मैं तो सिंध के सरकर्दा पर और लिखारी ताज जोयो से भी इजहार यकजहती करना चाहता हूँ क्योंकि उनके बेटे सारंग जोयो को उसके घर का दरवाज़ा तोड़कर उसके बच्चों के सामने तशद करते हुए मुबैना जबरी अगवा कर लिया गया और बिला वारंट घर तलपट कर दिया गया इस वाक़ा के दो रोज़ बार रिया पाकिस्तान ने ताज जोयो की अदबी और काफ़ती खदम के तराफ़ में सदारती तमगा कारकरी अता करने का एलान किया मगर जोयो साहब ने तजाजन ये तमगा कबूल करने से इनकार कर दिया मैं दरअसल ये कहना चाहता हूँ कि ये सदारती तमगा कारदगी दरअसल उन बाज़ीगरों को मिलना चाहिए जो इतनी सफाई से बंदा ग़ायब करते हैं कि के खुद रियासत टापती रह जाती है कि किधर से आया किधर गया वो मगर मैं ये सब नहीं लिख सकता क्योंकि इससे मेरा मुल्क मुन्नी की तरह बदनाम हो जाएगा और मैं इस बदनामी में हिस्सादार नहीं बनना चाहता जुलाई को पिशावर की एक भरी सेशन अदालत में तोह मज़हब के एक मुलज़म ताहिर अहमद नसीम को किसी खा, खालद नामी शख्स ने गोली मार हलाक कर दिया मगर मुबैना कातिल खालद को हरासत में लेने वाले पुलिस अहलकारों ने गाजी खालद के साथ फ़क्रिया सेल्फियाँ चीं और मुस्लिम लीग नवाज़ के रुकने कौमी असम्बली इमरान अली शाह ने कौमी असम्बली के सेशन के दौरान ख़ताब करते हुए मुतालबा किया कि एक खूसी सदारती हुक्मन के ज़रिए गाजी मुलम को माफ़ी दी जाए या फिर खैबर पखतनखा की हकूमत मुलम की जानब से मकतूल के लोअन को खून बहा अदा करे वरना वो अपनी जायदाद बेच कर ये खून बहा अदा करने को तैयार हैं इमरान अली शाह एम एन ने कोई आम आदमी नहीं बल्कि उस इदारे के रुकन हैं जो बाईस करोड़ पाकिस्तानियों के जानो माल और बुनियादी हक़क़ के तहफ़ के लिए कानून साजी करता है मगर चूँकि ये एक नाजक मामला है लहजा मैं इस पर गैर ज़रूरी तबसरा नहीं करना चाहता काश मकतूल ताहिर अहमद नसीम कोई इंडियन मुसलमान होता जिसे किसी जयपुर की भरी अदालत में कोई बजरंगी कातिल श्याम दास दिन दहाड़े कत्ल कर देता और पुलिस अहलकार उसे हार पहनाकर उसके साथ सेल्फ़ी खींचते और अगले ही दिन लोकसभा में शिवसेना का कोई कृष्णा हैगड़े एमएलए, बजरंगी कातल श्याम दास को अपना हीरो करके उसके मुकदमे के तमाम अखराज बर्दाश्त करने का एलान करता उसके बाद मैंने इंडियन सेकुलरिज्म, हिंदू तंग नजरी और मुसलमान दुश्मनी के ख़िलाफ़ और दो कौमी नज़रिए की हमायत में और हिंदुत्वा को कोसते हुए वो वो लाइनें लिखनी और बोलनी थी कि मुतर तंग नज़र समाजवादियों को मुँह छुपाने की जगह न मिलती हम सहाफ़ी सियासतदान शायर मुनसिफ़ और दानशवर तो आज भी अपना कलमों, दहन, इंसानियत के लिए दान करने को तैयार हैं मगर मरने वाले या ग़ायब होने वाले भी तो हमारा कुछ ख्याल करें अनकोट वसत अल्लाह खान साहब का ये कॉलम जो तंजिया मजाया पाए में लिखा हुआ है मगर दर्द के निष्तर जब रहा है ना सिर्फ हम सब पढ़ने वालों को और वो व्यूर्स भी जो उर्दू नहीं पढ़ सकते सुन रहे थे जब इस कॉलम को मुझे यकीन है उनको भी एहसास हो रहा होगा कि वो पाकिस्तानी समाज और पाकिस्तानी इस्टबलिशमेंट और हुकूमत के मुदाफ़काना रवैयों को किस तरह एक्सपोज़ कर रहे हैं पेशावर की एक बड़ी अदालत में तोहन रसालत के मुलम को मारा गया अगर उसी तरह का कोई वाक़ मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में जयपुर की किसी अदालत में हुआ होता और मरने वाला कोई मुसलमान होता और मारने वाला कोई बजरंगी कातिल श्याम दास नामी शख्स होता तो फिर पाकिस्तान के लिखारी किस तरह का शोर न मचाते हैं और उस पर अगर एक और वाकया ये हुआ होता जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर शिवसेना का एमएलए कह देता कि मैं इस बजरंगी कातिल को सपोर्ट करूँगा इसके खिलाफ मुकदमे पर जो अखराज आएंगे वो मैं बर्दाश्त करूँगा तो फिर हिंदुओं के ख़िलाफ़ हिंदुत्वा के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में क्या क्या प्रॉपागेंडा ना होता अभी तो वसतल्ला खान शायद इस बात का ज़िक्र करना भूल गए या शायद बेचारे कितना ज़िक्र करते वो ये कि इमरान खान ट्विटर पर बैठे यही काम कर रहे होते सारे काम छोड़ के कि आर एस एस हिंदुत्वा और शिवसैना ये इंसानियत की कातिल दुश्मन को होते हैं मगर आज मेरा सवाल ये है पाकिस्तान के इस्टेबलिशमेंट पाकिस्तान के वज़ी अजम इमरान ख़ान बल्कि मुझे कहने दीजिए बेज़मीर वज़ी अजम इमरान ख़ान और दुख से मैं कहता हूँ बेज़मीर मीडिया नाइन्टी नाइन परसेंट पाकिस्तान के सहाफ़ी इंटलक्चुअल्स क्या करते हैं अगर ये ऐसी सूरत हाल जो पाकिस्तान के एक इंतहाई काबिल तराम मुसन्फ़ वसतुल्ल्ह खान ने सवाल उठाया है तो वो फिर क्या करते हैं वो यही करते जो वसतुल्लह खान कह रहे हैं और इसी तरह वसतुल्लह खान ने जब मसाल दी जिस तरह हयात बलोच को मारा गया अगर ऐसा ही कोई वाक़ भारत में फलस्तीन में पेश आया होता तो जल्द से जुलूस निकल रहे होते लेकिन दुख का मुकाम ये है कि इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मीडिया भी खामोश है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के मुंह पर भी ताले लगे हुए हैं और अगर इसका एक हज़ारवा वाक़ भी एक छोटा सा भी इंसिडेंट कहीं भारत में हो जाए कल हो जाए तो आप देख लीजिएगा कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट किस तरह चीखता है यह है वो मुनाफ़ यह है वो जलालत जिसकी वजह से पाकिस्तान के ग़रीब अवाम अपने हकूक़ हासिल नहीं कर पा रहे आज के बिलात गल्फ में कुछ बातचीत करेंगे भारतीय अदाकार आमिर ख़ान के दौर तुर्की के अपने दौरे तुर्की के दौरान वो तुर्की की फर्स्ट लेडी एमने उर्दगान से मिले और जाहिर है ये एक ऐसा वक्त है जब तुर्की और भारत के तलकत अच्छे नहीं हैं जब तुर्की के वज़ी अजम और हुकूमत और सदर उर्दान सारे के सारे एस्टैब्लिशमेंट तुर्की की मुनाफत की इंतहाओं को छू रहे हैं जब तुर्की इस बात पर ववेला मचाता है कि यू ए, ए और इसराइल ने आपस में सफारती तल्लक क्यों कायम किए तो आप तुर्की की मुनाफत को देखिए कि तुर्की वाद मुसलमान मुल्क अरसा दराज से रहा जिसके इसराइल के साथ सफ़ारती तल्लक थे और अभी भी हैं अब इनमें कुछ रंजिशें है ज़रूर हैं मगर अभी भी तुर्की और इसराइल का कारोबार अभी भी है और पहले तो बहुत ज़्यादा होता था इसराइल के टूरिस्ट तुर्की एक बड़ी तादाद में जाया करते थे और अरबों डॉलर का तुर्की को फायदा होता था और यूएई के अब इसराइल के साथ तल्लक बनने पर तुर्की प्रोटेस्ट कर रहा है तुर्की ने कश्मीर के मसला पर भी अपना इस्लामिक कार्ड खेला इसके बावजूद कि तुर्की पाकिस्तान की फाइनेशली कोई मदद भी नहीं कर रहा लेकिन तुर्की अपने इस्लामिक कार्ड को खेलने में और अपनी मुनाफ्त को बरतने में ज़रा भी एहतियात नहीं करता तो इस माहौल में आमिर ख़ान का तुर्की की फर्स्ट लेडी से मिलना बिलाशुबा एक अहमकाना अमल है और उस पर आ, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे आमिर ख़ान की काफ़ी मजम्मत हुई और आमिर ख़ान की अगर कुछ हमायत हो रही है तो पाकिस्तानी साइड से या भारत के एक्सट्रीम साइड से हो रही है लेकिन आमिर ख़ान एक उम्दा अदाकार हैं एक बढ़िया फिल्म डायरेक्टर हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो चीन के साथ अगर प्यार की पीँघे बढ़ाएँगे या तुर्की के साथ प्यार की पीँघे बढ़ाएँगे तो उनकी असल ऑडियंस जो है वो भारत ही है इस सारे तनाजर में जब भारत में रिवाइवल ऑफ सिविलाइजेशन का एहसास हो रहा है जब भारत में भारतीय जाग रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो अब इस तरह सेकुलरिज़म के ड्रामे का शिकार नहीं होंगे क्योंकि सेकुलरिज़म की जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं उनको सेकुलरिज़म के मानों का ही नहीं पता तो इस सारी सूरत हाल में जो बॉलीवुड का एक ओवरवेलमिंग पार्ट है जो एक तरह से हर जगह से अपने फ़ायदे ईठना चाहता है उनको तय करना होगा एक पोजीशन लेना होगी कि क्या वो भारत से ही अपने मफादार लेंगे या दुनिया भर से अपने मफादार लेने के लिए अपनी झोली फैला कर निकलेंगे तो उनको ये तनकीद तो फिर सहनी पड़ेगी आज के बिला तल्फ तजिए में हम बातचीत करेंगे ख़ास तौर पर अमरीका में इलेक्शन के हवाला से जब भी कोई रिव्यू हो तो अमेरिका का इलेक्शन अमेरिका के इलेक्शन हो जाने तक मिस नहीं हो सकता और बल्कि शायद इलेक्शन के नतज आ जाने के बाद भी ये जेर बहस रहेगा कल के जो पोल सामने आए हैं उसमें सदर ट्रम्प अब जो बाइडन से करीब जाते जा रहे हैं और उनकी जो टाई है वो नेक टू नेक होती जा रही है और इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है उसमें काफ़ी इस वक्त मुद्दे चल रहे हैं ख़ास तौर पर जब से कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट की टिकट मिली डेमोक्रेट्स की तरफ से उसके बाद दोनों तरफ की इलेक्शन कैंपेन में गर्मा गर्मी हो चुकी है और उस गर्मा गर्मी के माहौल में इलेक्शन आगे चल रहे हैं पोस्टल सर्विस की बातचीत हो रही है जो पोलराइजेशन है अमेरिका की पॉलिटिक्स में वो शद्दत से सामने आ रही है और ये शायद दहाइयों से ऐसी ही पोलराइजेशन रही है लोग भूल जाते हैं अगर आप आज से तीस चालीस पचास साल पहले के इलेक्शन कैंपेन भी देख लें तो बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया की मौजूदगी की वजह से ये पोलराइजेशन हमें अपनी इंतहाओं को छूती इसलिए लग रही है कि सोशल मीडिया इसको अब दुनिया के सामने ला रहा है अमरीका में सबसे अहम जो मसला इलेक्शन के दिनों में जो इलेक्शन मैनिफेस्टो का भी हिस्सा बना हुआ है वो है कोविड नाइनटीन की हैंडलिंग या मिस हैंडलिंग ये भी एक इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और कोविड नाइन्टीन ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है कोविड नाइनटीन की जब हम बात करते हैं तो आज की डेट में जो सूरत हाल है अमरीका कोई करीब साढ़े पाँच मिलियन कोविड 19 के कंफर्म केसेस को टच करने वाला है आ, और डेथ्स जो हैं 171,000 हंड्रेड सेवेंटी यानी एक लाख इकहत्तर हज़ार से जायद हो चुकी हैं ब्राज़ील उसके बाद कुछ साढ़े तीन मिलियन इन्फेक्टेड केसेस को छू रहा है और जो डेथ्स वहाँ पर रिपोर्ट्स की जा रही हैं वो एक लाख आठ हज़ार से ज़ायद हैं भारत में को पौने तीन मिलियन के करीब यानी अमेरिका साढ़े पाँच मिलियन ब्राज़ील तकरीबन साढ़े तीन मिलियन और भारत पौने तीन मिलियन इन्फेक्टेड केसेस हैं डेथ रेट्स उस रेशो में में देखा जाए तो कम है कोई इक्यावन हज़ार फिफ्टी वन थाउजेंड से ज़ायद रिपोर्ट हो रहे हैं हमारे कनाडा में इस वक्त जो कोविड की सूरत हाल है वो एक लाख बाईस हज़ार से ज़ायद केसेस सामने आ चुके हैं और नौ हज़ार से ज़ायद डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं कोविड नाइन्टीन का जब आगाज़ जनवरी फेबररी में होता है और मार्च से जब हम पीक इसका देखते हैं अब तक जैसा कि आप देख रहे हैं दुनिया भर में करीब सात लाख अस्सी हज़ार के करीब डेथ्स हो चुकी हैं और 21.8 मिलियन लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं लेकिन अब दुनिया को रीओपनिंग भी करना है और बीच में कई फेजेस आए छोटी मोटी रीओपनिंग की कुछ मुल्कों में यूरोप में अब फिर वो कोविड की सख्तियाँ लॉकडाउन शुरू हो गया है क्योंकि अभी तक यही तय नहीं है कि ये कोविड का फेज़ वन ही चल रहा है उसकी डिफरेंट स्टेजेस है या फेज़ टू भी आया है या फेज़ टू फॉल्स में कहीं जा के आएगा वैक्सीन बनाने की बात हो रही है दुनिया भर की नज़रें भारत पर भी हैं रूस ने वैक्सीन बनाने की बात पहले ही कर दी थी और इसके अलावा अमेरिका में वैक्सीन बनाने पर काम हो रहा है लेकिन वैक्सीन बन भी जाती है तो भी वैक्सीन दुनिया के सात अरब लोगों तक पहुंचने में दो तीन साल का वक्त लग सकता है और इसके साथ साथ अभी तक ऐसी अद्वियात भी ऐसी मेडिसन्स भी सामने नहीं आई जो सौ फ़ीसद कोविड को क्योर कर सकती हूँ तो अभी तक की सूरत हाल यही है कि दुनिया को जो कहा जा रहा है डिफरेंट मीडिया पर कोर्ट अनकोर्ट न्यू नॉर्म्स के साथ ही अब जीना होगा फॉर हाउ लॉन्ग वी डोंट नो ये आने वाला वक्त बताएगा लेकिन जहाँ से ये वायरस शुरू हुआ चीन के जगह वुहान से वहाँ पर एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट हुआ है दो दिन पहले उस म्यूज़िकल कॉन्सर्ट की ये जल्की आप देख लीजिए बैन अमामी ख़बरों में बैरूत के धमाके और बैल में एहतजाजात ये बड़ी ख़बरें हैं आज के मीडिया में और बैरूत के धमाकों के बाद जो वहाँ पर तबाही हुई पूरी दुनिया उसके लिए फंडिंग जमा कर रही है अब तक की इतलात के मुताबिक दुनिया में कोई 400 मिलियन डॉलर के करीब फंडिंग जमा की है जबकि वहाँ पर जो तबाही हुई है उस तबाही उसके निशानात को ख़त्म करने के लिए बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर चाहिए एक मुतात अंदाज़े के मुताबिक ओवर ट्वेंटी बिलियंस डॉलर चाहिए और दूसरी तरफ हम बैलो में प्रोटेस्ट देख रहे हैं बेल कोविड नाइन्टीन के हवाले से खुशकस्मत मुल्कों में था जहाँ बहुत ज़्यादा कोविड नाइन्टीन नहीं फैला था मगर अब इन बड़े बड़े प्रोटेस्ट के बाद ख़दशा है कि वहाँ पर भी इसका फैलाव हो सकता है बेलोरूस में री एलेक्ट होने वाले सदर अलेक्ज़ेंडर ने रूस के सदर वलादिमिर पुतिन से मदद मांग ली है और इससे पहले उनको लिथुआनिया, एस्टोनिया से गले शिकवे थे उनका ये कहना था कि वो उनके मुल्क में फसादा करा रहे हैं मगर अब वो रूस से मदद मांग रहे हैं गुजत कुछ सालों में उनका रूस के साथ भी इख्तलाफ रहा बैल के सदर इस वक्त मुल्क में होने वाले प्रोटेस्ट से बहुत नाला हैं बहुत तंग हैं और ख़ास तौर पर इन प्रोटेस्ट में बैलो की ख़ीन की एक बहुत बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है क्योंकि तीन खातन लीडर्स ने अपोज़िशन का एक महाज बनाया है और बैलो के इस इंतबात के The streets of Belarus's capital are being taken over by women leading protests and they say the country's path towards change. Our president said that our constitution is not made for women and that women here can only serve the government. They can only serve the men. That we don't have this strength, that we don't have enough knowledge and possibilities to govern. Uh, I guess that this symbol of three women showed that um, we have this strength. We mm. have also the voice. Uh, we are equal and in some cases we're even stronger, I guess. I feel it. Canada, mein ek Canada of Khazana. बिल मोरनो ने इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी जगह कैनेडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फीलैंड ने वज़ी ख़ज़ाना के तौर पर अहदा संभाल लिया कैनेडा में पहली बार किसी खातून को फाइनेंस मिनिस्टर का येदा मिला है कैनेडा का मीडिया वाज तौर पर कह रहा है कि क्रिस्टिया फीलैंड जो जस्टिन ट्रूडो की पहली सरकार में वज़र ख़ारजा भी हुआ करती थी दूसरी सरकार में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी अब वो वज़ी ख़जाना भी हैं कैनेडा के वजीर ख़जाना बिल मोर्नियो ने कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम अखराज की पॉलिसियों पर वज़ी अजम जस्टिन ट्रोडो के साथ मुबैना तनाजा और तलबा से मुतल ग्रांड प्रोग्राम चलाने के लिए खैरती इदारे से ताल्लक़ात के इल्ज़ पर इस्तीफ़ा दे दिया है मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा के वजे खजाना बिल ने कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम अखराजात की पॉलिसियों आरोप वजीम जस्टिन ट्रूडो के साथ मुबैन तनाज़ा और तलबा ऐसी मुताल ग्रांड प्रोग्राम चलाने के लिए खैरती इदारे ऐसी तल्लु के इल्जाम पर इस्तीफ़ा दे दिया इस हवाले से बिल ने गुजतर रोज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया की उन्होंने वजी जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात में आइंदा इंतबाब में खड़े न होने के बारे में आगाह कर दिया है और ये कोई तबील मुद्दती इकदाम के लिए नई वजी खजाना की जरूरत है उन्होंने कहा हमें इस बात को तस्लीम करना होगा की करोना वायरस के खिलाफ नए मरहल्ले की तरफ बढ़ने और मीशत की बहाली के लिए राह हमवार करने के लिए कई साल दरकार होंगे और नए वजी खजाना के लिए तबील मुद्दती मनसूबा बंदी और चैलेंजेस ऐसी निम्ने के लिए ये बेहतरीन वक्त है यही वजह है की वो वजी खजाना के पर और बतौर पार्लियामेंट इस्तीफा दे रहे हैं उन्होंने कहा की वो अब बैन अवी तंजीम बरए इकनॉमिक कॉपोशन एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी जनरल के लिए बतौर उम्मीदवार खड़े होंगे बिल मॉर्नियो दो हजार पंद्रह ऐसी कनेडा के वजी खजाना तैनात है कनेडा मीडिया की गुजरात हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडा हुकूमत का बजट खजारा तीन सौ चारस अरब डॉलर ऐसी जायद तक पहुँच गया है जिसके बाईस वजी अजम जस्टिन ट्रोडो और बिल मोर्नियो के दरमियान मुल्की तो मीशत की बहाली के इकदाम आरोप तनाजा की खबरें तो सामने आई वाज रहे कनेडा के वजी जस्टिन ट्रोडो और बिल मोर्नियो के खिलाफ कोरोना वबा के दौरान नौजवान शहरों की इमदाद के फलाही इदारे के साथ मुबैना तल्लुका के खिलाफ तहकीकत जारी है और जस्टिन ट्रोडो पर इल्ज़ाम आये है की फलाही इदारे के साथ ताल्लुका पर इदारे ने उनकी अहलिया भाई और वालदा को तकरीबन तीन लाख कैनेडियन डॉलर की अदायदगी की बिल मॉर्नो का जो इस्तीफ़ा था उसके बारे में कनाडा के पॉलिटिकल पंडित्स का ये कहना है कि ये जस्टिन ट्रूडो की एक तरह से कुर्बानी है एक मिनिस्टर की जो स्कैंडल बहुत बड़ा वी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू ई का चल रहा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का ख़ानदान भी ख़ुद प्राइम मिनिस्टर भी और बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स भी और मेंबर पार्लियामेंटेरियंस भी इन्वॉल्व हैं इस स्कैंडल में वी नामी इस ऑर्गेनाइजेशन का सालाना बजट 900 मिलियन से एक बिलियन डॉलर हुआ करता था इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत नौजवानों की एम्प्लॉयमेंट और उनकी ट्रेनिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुल्क भर में होते थे और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो की फ़ैमिली भी इसमें इन्वॉल्व रही अभी भी है और वज़ी ख़ज़ाना जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है बिल मॉर्नो भी हैं इन पर भी इल्ज़ाम थे कि इन्होंने भी ट्रैवलिंग की वी के एक्सपेंसेस पर इनकी फैमिली ने भी ट्रैवलिंग की और इसके अलावा भी बदनवानी के कुछ इल्ज़ाम इन पर लगते हैं बहुत दिनों से जब से वी स्कैंडल सामने आया पॉलिटिकल पंडित का ये कहना था कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इस्तीफ़ा खुद नहीं देंगे बल्कि अपने किसी मिनिस्टर को ही कुर्बानी का बकरा बनाएंगे और बिल आखिर बिल मॉर्नो का इस्तीफ़ा उसी कुर्बानी के बकरे की सूरत में सामने आ चुका है इससे पहले जब उनकी पहली सरकार में एक और बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल ऐस एन लेवल का सामने आया था तो उसमें उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर से जेराल्ड बट को कुर्बानी का बकरा बनाया था तो इस कुर्बानी के बकरे बनने की लेगेसी को पेश नज़र रखते हुए पॉलिटिकल पंडित वाज तौर पर कह रहे थे कि इस बार वाज तौर पर कुर्बानी का बकरा बिल मोरनो बनेंगे और बिल बिल मोरनो बने हैं अब हम देखते हैं कि लिबरल सरकार का इससे आगे कौन सा स्कैंडल सामने आता है और कुर्बानी का बकरा कौन बनता है आज का बिला तकल्फ़ तबसरा ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।